कई साल पहले भेड़ियों ने जंगल पर धावा बोलकर राजा शेर सिंह को एक गुफा में कैद कर दिया था और सत्ता मिल जाने पर जंगल में उनका कहर बढ़ता ही जा रहा था। भेड़िये एक एक करके सारे जानवरों को खा रहे थे। देखो, तुम लोग अगर जिंदा रहना चाहते हो तो सबसे पहले तुम लोगों को मुझे जिंदा रखना होगा। और भेड़िये राजा को जिंदा रखने के लिए तुम्हें रोज एक प्राणी उन्हें भोजन के लिए देना होगा। और जिस दिन मुझे भोजन नहीं मिला उस दिन तुम में से जो भी कोई मेरे सामने आएगा मैं उसे मार के खा जाऊंगा। भेड़िये से धमकी मिलने के बाद जंगल के सारे प्राणी दहशत में जी रहे थे। एक दिन सभी मिलकर मंदिर के पुजारी बल्लू बंदर के पास जाते हैं। पुजारी जी हमें बचा लीजिए। आप सब इतना डरे हुए क्यों हो? कोई विपदा आन पड़ी है क्या? विपदा नहीं, महान विपदा आन पड़ी है महाशय। भेड़िये राजा ने धमकी दी है कि रोज उसे भोजन में एक प्राणी देना होगा। और अगर उसे रोज एक प्राणी नहीं दिया तो वो हमें मार के खा जाएगा। ऐसी विपदा की घड़ी में बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। कृपा करके आप हमें इस मुसीबत से बचा लीजिए। बस बताइए इस मुसीबत से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है। ठीक है तो सुनो, कुछ समय बाद दक्षिण दिशा से एक पंडित अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ पर आएगा, तब तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति मिल सकती है। पंडित की बात सुनकर सबको थोड़ा चैन मिलता है। उसके बाद सारे प्राणी अच्छे दिन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक भेड़िया राजा मुंह में अपना शिकार लेकर नदी के किनारे पानी पीने जाता है। तभी वहाँ एक बीमार मगरमच्छ भूख से तड़प रहा होता है। अरे कोई मुझे खाना दो वरना मैं मर जाऊंगा। भेड़िया भाई मुझे खाना दो, कृपया करके मुझे खाना दो। तुझे खाना दे दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा बे? भेड़िया भाई अगर आपने मुझे खाना दिया तो वक्त आने पर एक दिन मैं आपके काम आऊंगा। मगरमच्छ कभी काम आएगा ये सोचकर राजा भेड़िया ने अपना शिकार उसे दे दिया। ले खा ले इसे और बचा ले अपनी जिंदगी। जैसे ही भेड़िये ने अपना खाना मगरमच्छ को दिया ठीक उसी वक्त मगरमच्छ एक शैतान बन जाता है। तूने मुझे अपना भोजन दिया है इसीलिए मैं तुझसे अति प्रसन्न हुआ। मांग, आज तू जो भी मांगेगा मैं वो सब तुझे दूंगा। अगर आप मुझ पर सच में प्रसन्न हो शैतान देवता तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई मुझे मार ना सके, मैं हमेशा के लिए अमर बन जाऊं। मैं तुझे अमर तो नहीं कर सकता मगर तेरी जान जरूर बचा सकता हूँ। आज से तेरी जान मेरे कब्जे में रहेगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे भी कोई नहीं मार सकता। अब भेड़िये को मारना मुश्किल हो जाता है क्योंकि भेड़िये की जान शैतान के कब्जे में थी, इसलिए जब तक शैतान जिंदा है भेड़िये को कोई नहीं मार सकता। शैतान से वरदान पाने के बाद भेड़िये का आतंक और बढ़ जाता है, इसलिए जंगल के सारे प्राणी एक बार फिर से पुजारी के पास जाते हैं। पुजारी जी आपने कहा था कि दक्षिण दिशा से कोई पंडित आएगा और हमें मुक्ति दिलाएगा, बताइए पुजारी जी वो पंडित कब आएगा? पुजारी भविष्य बताते हुए कहता है, देखिए पंडित कब आएगा ये तो मैं नहीं बता सकता, मगर पंडित के आने से पहले कोई और आकर भेड़िये पे हमला करेगा उसके बाद ही पंडित आएगा। क्या वो हमलावर भेड़िये को मार देगा? नहीं, भेड़िये की मौत पंडित के हाथों से ही होगी। अगले दिन कुछ शिकारी जंगल में आते हैं और भेड़िये राजा को घेर लेते हैं। कुछ ही देर में लड़ाई शुरू हो जाती है। शिकारी भेड़िये राजा को अपनी गोली का निशाना बना लेते हैं, मगर भेड़िये की जान शैतान के पास होती है इसलिए भेड़िये पर शिकारियों की गोलियों का कोई असर नहीं होता। ये देखकर सारे शिकारी भाग जाते हैं और ये बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है। बाघ भाई आपने कुछ सुना? हाँ मैंने सुना, भेड़िये पर शिकारियों की गोलियों का असर ही नहीं हुआ, पता नहीं अब ये पंडित आकर हमें कैसे बचाएगा। इसी दहशत में कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन दक्षिण दिशा से एक पंडित अपनी पत्नी के साथ जंगल में आता है। मंदिर में चोरी करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है ना? हाँ, और इस अपराध का प्रायश्चित भी हम इस जंगल में ही रहकर करेंगे। दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं तभी अचानक भेड़िये के सैनिक उन्हें घेर लेते हैं। खबरदार एक कदम भी आगे बढ़ाया तो, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। हम इस जंगल में रहकर भगवान की तपस्या करके अपने पाप का प्रायश्चित करेंगे। भगवान की तपस्या करने से पहले अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो
तो पहले तुम्हें भेड़िये राजा की भक्ति करनी होगी। चलो मेरे साथ। सारे भेड़िये पंडित और पंडितायन को भेड़िये राजा के पास लेकर जाते हैं। महाराज, ये मनुष्य तो हमारे जंगल में घुस आए हैं और कहते हैं कि वो अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करने के लिए आए हैं। अच्छा, तो बताओ पंडित, तूने क्या पाप किए हैं? मैंने मंदिर से भगवान के गहने चुराए थे। अच्छा, तो तू भी चोर ही है। देख पंडित, तुझे प्रायश्चित करने के लिए जिंदा रहना होगा और मैं तुझे एक शर्त पे ही जिंदा रहने दूंगा। तू रोज मेरे भोजन के लिए एक प्राणी लेकर आएगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। जी भेड़िया जी, हम दोनों अभी जाकर आपके लिए भोजन लेकर आते हैं। ठहरो पंडित, भोजन लेने तुम अकेले जाओगे, तेरी पत्नी अमानत के तौर पर मेरे पास रहेगी। ठीक है, परंतु कृपया करके आप मेरी पत्नी को मारना मत महाराज। तेरे पास वक्त बहुत कम है, जाके जल्दी मेरे लिए खाना लेकर आ। पंडित जंगल में खाना ढूंढने निकलता है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ हिरन दिखता है जिसे चील कौवे खा रहे होते हैं। पंडित उसे लेकर भेड़िये के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, मगर जब वो भेड़िये के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि भेड़िया पंडितायन को मारकर खा रहा होता है। ये देखकर पंडित दुखी होकर रोने लगता है। अरे भेड़िये, तूने ये क्या कर दिया? दरिंदे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा दरिंदे। मुझे धमकी देने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ता, पर मैंने अभी अभी तेरी पत्नी को खाया है और मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं तुझे अभी नहीं खाऊंगा। साथियों, इसे शेर सिंह के पास काल कोठरी में कैद कर दो। भेड़िया राजा के सिपाही पंडित को उसी काल कोठरी में कैद करते हैं जहाँ शेर सिंह कैद रहता है। शेर सिंह, क्या भेड़िये ने तुम्हें भी कैद करके रखा हुआ है? हाँ, मुझे कैद करके भेड़िये ने मेरा राज्य छीन लिया। कुछ दिन बाद ये मुझे भी मार कर खा जाएगा, पता नहीं इसके जुल्मों का अंत कब होगा। मैंने सुना है दक्षिण दिशा से एक पंडित अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जब यहाँ आएगा तो वही पंडित इस जंगल से इसका आतंक खत्म कर सकता है। अरे वो पंडित मैं ही हूँ, मैं ही अपने पाप का प्रायश्चित करने यहाँ आया हूँ। क्या तुम वही पंडित हो? पंडित जी, जंगलवासी कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कृपया करके भेड़िये को मार के हमें आजाद कीजिए। भविष्यवाणी के अनुसार हो सकता है भेड़िये के जुल्मों का अंत मेरे ही हाथों लिखा हो, किंतु मुझे तो मालूम ही नहीं कि भेड़िये को कैसे मारा जाए। इस जानकारी के लिए मुझे अपने राजगुरु गिद्धराज गरुड़ को बुलाना होगा। हे गुरुदेव, कृपया प्रकट होकर समस्या का कोई हल निकालिए। प्रकट होइए गुरुदेव, प्रकट होइए। कहो राजन, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? गुरुदेव, पुजारी की भविष्यवाणी के अनुसार ये पंडित जी ही भेड़िये को मार कर हमें आजाद करवा पाएंगे, मगर भेड़िये को मारा कैसे जाए इस बात से पंडित जी अनजान हैं। कृपया आप ही कोई रास्ता बताइए। भेड़िये को मारना आसान काम नहीं है शेर सिंह। किंतु महाराज, भविष्यवाणी के अनुसार तो भेड़िये की मौत पंडित जी के हाथों से ही लिखी है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि भेड़िये की जान अब उसके शरीर में है ही नहीं। क्या मतलब? भेड़िये की जान शैतान के कब्जे में है। अगर भेड़िये को मारना है तो पहले शैतान को मारना होगा। शैतान मरते ही भेड़िया अपने आप मर जाएगा। और शैतान को मारने का तरीका? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस बोतल में गंगा जल है, अगर तुम ये गंगा जल शैतान के चेहरे पर फेंकने में कामयाब हो जाओगे तो शैतान उसी क्षण भगवान को प्यारा हो जाएगा। मैं अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना चाहता हूँ। भेड़िये को मारने के लिए मैं शैतान से भिड़ने के लिए भी तैयार हूँ गुरुदेव। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब एक और भविष्यवाणी सुनना चाहोगे? जी बताइए गुरुदेव। शैतान को मारने के बाद इस बोतल में बचा हुआ गंगा जल तुम्हारी पत्नी की अस्थियों पर छिड़कने से तुम्हारी पत्नी भी जिंदा हो जाएगी। ये सुनकर पंडित खुश हो जाता है। गुरुदेव, एक कृपा और कीजिए, मुझे यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखा दीजिए। इस गंगा जल की दो बूंदे अपने शरीर पर छिड़कने के बाद तुम अपने आप शैतान की जादुई गुफा में पहुंच जाओगे। इतना बोलकर गिद्धराज गरुड़ अदृश्य हो जाते हैं। महाराज शेर सिंह, मैं जल्दी शैतान को मारकर आपको छुड़ाने के लिए यहाँ आऊंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पंडित जी गंगा जल की दो बूंदे अपने शरीर पर छिड़कते हैं। जैसे ही पंडित जी गंगा जल अपने ऊपर छिड़कते हैं वैसे ही काल कोठरी से गायब हो जाते हैं और शैतान की गुफा में प्रकट हो जाते हैं। पंडित को देखते ही शैतान जोर जोर से हंसने लगता है। तो पंडित तू आ ही गया,
मैंने सुना तू मेरा काल है, पर मैं जानता हूँ काल तू नहीं, मैं हूँ। आज मैं तुझे मारूंगा। जैसे ही शैतान पंडित को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पंडित तेजी से गंगा जल शैतान के ऊपर छिड़क देते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गंगा जल चेहरे पर पड़ते ही शैतान जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। तेरा अंत यही होना था, अब तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। रोते बिलखते अचानक शैतान जोर जोर से हंसने लगता है। पंडित, ये मेरी मायावी गुफा है, यहाँ तू जो कुछ भी देख रहा है वो सब एक भ्रम है, धोखा ही धोखा है, मैं यहाँ हूँ ही नहीं, तू जिसे देख रहा है वो मेरा प्रतिबिंब है। अचानक शैतान गायब हो जाता है। पंडित इधर उधर देखने लगता है, तभी उसके सामने शैतान प्रकट हो जाता है। क्यों पंडित, कैसी लगी मेरी माया? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मौका पाते ही पंडित दोबारा शैतान के ऊपर गंगा जल छिड़कता है। हे पंडित, मैं तेरे गंगा जल से मर रहा हूँ। तो मुझे नहीं मार सकता पंडित, परंतु देख मैं तुझे कैसे मारता हूँ। देखते ही देखते पंडित के आजू बाजू कई सारे शैतान प्रकट हो जाते हैं। पंडित अब शैतान के माया जाल में फंस चुका था। हे भोलेनाथ, अब तेरा ही सहारा है, अब तू ही बता मैं इसे कैसे मारूं। भोलेनाथ को याद करते ही गिद्धराज गरुण प्रकट होते हैं। पंडित, ये मायावी राक्षस है और इसके अनेक प्रतिबिंब है, इसलिए इसे मारने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप पर गंगा जल छिड़कना होगा। जैसे ही तुम पर गंगा जल की बूंदे गिरेगी, वैसे ही राक्षस के सारे प्रतिबिंब तुम्हारी नजरों से ओझल हो जाएंगे, तुम्हें सिर्फ शैतान ही नजर आएगा, फिर तुम इसका काम तमाम कर देना। गरुड़ की बात सुनकर पंडित तेजी से गंगा जल खुद पर छिड़कते हैं। गंगा जल की बूंदे पड़ते ही शैतान के प्रतिबिंब खुद ब खुद एक एक करके गायब हो जाते हैं और अकेला शैतान खड़ा रह जाता है। देख पंडित, तू मुझे मत मार, मैं तुझे माला माल कर दूंगा, मेरा कहा मान, मैं तेरी बीवी को भी जिंदा कर दूंगा। मुझे मत मार पंडित, मुझे मत मार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पंडित भोलेनाथ का नाम लेकर शैतान पर गंगा जल छिड़कता है। गंगा जल की बूंदे शैतान पर गिरते ही शैतान आग में जलने लगता है और कुछ ही पल में धुआं बनकर उड़ जाता है। शैतान के मरते ही भेड़िया राजा भी दम तोड़ देता है, क्योंकि भेड़िये की जान तो शैतान में थी। भेड़िया राजा से आजाद होकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं, फिर सब मिलकर शेर सिंह को कैद से मुक्त करवाते हैं। शुक्रिया साथियों, आखिरकार हमें आजाद करवाने वाले पंडित जी कहाँ पर हैं? तभी पंडित जी हाथ में गंगा जल और थैले में अपनी पत्नी की अस्थियाँ लेकर आते हैं। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, हम सबको भगवान शिव जी ने आजाद करवाया है। हर हर महादेव, हर हर, हर महादेव। पंडित जी, अब जल्दी से अपनी पत्नी की अस्थियों पर गंगा जल छिड़क कर उन्हें जीवित कीजिए। फिर पंडित जी अपनी पत्नी की अस्थियों पर गंगा जल छिड़कते हैं। अस्थियों पर गंगा जल पड़ते ही पंडित की पत्नी जीवित हो जाती है। ये देखकर सारे प्राणी खुश हो जाते हैं। फिर पंडित सबका धन्यवाद करके अपने गांव की ओर चल पड़ते हैं। शेर खान का तालाब। सोनगढ़ के जंगल में रहने वाले ज्यादातर जानवर सोनू के दोस्त हैं, मगर इनकी दोस्ती से लोमड़ी बहुत चलती है और इसी जलन के कारण वो हमेशा सारे जानवरों के खिलाफ शेर खान के कानों में जहर उगलती रहती है। शेर खान, इस साल अकाल पड़ा है, पानी की बड़ी किल्लत है और तुम्हारे पास पानी से भरा हुआ पूरा तालाब है, यही वक्त है तुम्हारी बादशाहत बताने का, किसी को भी तुम्हारे तालाब से पानी पीने मत देना। तुम ठीक कहती हो लोमड़ी। शुक्रिया शुक्रिया, मगर मुझे पीने देना हाँ। सोनू, मुझे प्यास लगी है। मुझे भी।
तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। देखो शेर खान, जंगल के सारे तालाब सूखे पड़े हुए हैं, सारे जानवर बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप सारे जानवरों को अपने तालाब से पानी पीने दें। नहीं, इस तालाब से पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। आप तो इस जंगल के राजा हैं शेर खान, आपकी प्रजा तो पानी के लिए तरस रही है, छोटे छोटे बच्चे प्यासे मर जाएंगे शेर खान, कुछ कीजिए राजन। दूसरे बच्चों के लिए मैं अपने बच्चों की जान जोखिम में नहीं डाल सकता, अब जाओ यहाँ से। तुमने ठीक किया शेर खान, अब इनको पता चलेगा कि राजा आखिर राजा होता है। बस मुझ पर कृपा बनाए रखना, आपका जूठा खाना खा लूंगी और यही से पानी पी लिया करूंगी। क्या हुआ सोनू, शेर खान के तालाब से हमें पानी मिलेगा? नहीं, शेर खान के तालाब से पानी नहीं मिलने की बात सुनकर सारे प्राणी दुखी व चिंतित हो जाते हैं। सोनू, वाकई में हमें पानी नहीं मिलेगा? पानी नहीं मिला तो हम मर जाएंगे सोनू। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर सोनू ने सोचा कि अगर जानवरों को बचाना है तो पानी के लिए कुआं खोदना ही पड़ेगा। दूसरे दिन से ही सब जानवरों ने कुआं खोदना शुरू कर दिया। शाम हो गई है, काम रोक दो, अब कल कुआं खोदेंगे। हाँ, और कुएं को लकड़ी से ढक दो और फिर कुएं के चारों ओर पत्थर रख दो ताकि कोई जानवर अंदर न गिर जाए। सारे जानवर मिलकर लकड़ियों से कुएं को ढक देते हैं और कुएं के चारों ओर बड़े बड़े पत्थर रखकर सब वहां से चले जाते हैं। उधर शेर खान और शेरनी तालाब के किनारे पर आराम फरमा रहे हैं। चाटुकार लोमड़ी शेर खान के पांव दबा रही है। उस वक्त शेर खान के दोनों शावक खेलते खेलते तालाब से दूर चले जाते हैं। कुछ ही देर में दोनों बच्चे कुएं के नजदीक पहुंच जाते हैं और खेलते खेलते कुएं में गिर जाते हैं। हम कुएं में गिर गए, हमें बचाओ। ये तो मेरे बच्चों की आवाज है, जल्दी चलो। बचाओ, बचाओ। लगता है कोई कुएं में गिर गया है। अरे, ये तो शेरखान के शावक हैं। हमें इनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। रुक जाओ सोनू, तुम बंदर से इंसान तो बन गए हो परंतु तुम्हारा दिमाग विकसित हुआ हो ऐसा नहीं लगता। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि कुएं से बच्चों को बाहर निकालने के लिए शेर खान हमसे मदद मांगे। समझ गया, शेर खान के कहने पर हम उसके बच्चों को बचाएंगे तो शेर खान पर हमारा एहसान हो जाएगा। हाँ, हमारे एहसान तले दबा शेर खान फिर किसी भी प्राणी को तालाब से पानी पीने को मना नहीं करेगा। ये तो बड़ी अच्छी तरकीब है। बचाओ, बचाओ। मैं आ रहा हूँ बच्चों, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली है। शेर खान आ रहा है, चलो सब छुप जाओ। सब प्राणी छुप जाते हैं। शेर खान कुएं के पास आकर आवाज देता है। मैं आ गया हूँ बच्चों, तुम कहाँ हो? हम कुएं के अंदर हैं पापा, हमें बचाओ, हमें बचाओ। ओ, मेरे बच्चे तो कुएं में गिर गए, क्या करूं? इन्हें बाहर कैसे निकालूं? लोमड़ी, तुम मेरी मदद करो। माफ करना शेर खान, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अपने शावकों को बचाने के लिए शेर खान दहाड़ कर जंगल में मदद की गुहार लगाता है। अरे कोई है, मेरे बच्चे कुएं में गिर गए हैं, कोई मदद करो भाई। शेर खान की आवाज सुनकर जो छुपे हुए थे वो सारे प्राणी बाहर आ जाते हैं। आपने मदद के लिए गुहार लगाई शेर खान, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? मैंने तुम्हें तालाब से पानी पीने को मना कर दिया, फिर भी तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैंने सुना है कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। तुम्हारे विचार कितने सुंदर हैं सोनू। बचाओ, बचाओ। साथियों, शेर खान के बच्चों को बचाना ही हमारा मकसद है। बंदर, तुम रस्सी लेकर आओ। ओके सोनू, रस्सी हाजिर है, बोलो
अब क्या करना है? अब तुम रस्सी लेकर कुएं में कूद जाओ, फिर बच्चे को गोद में लेकर हमें आवाज लगाओ, हम ऊपर से रस्सी खींचकर तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। ठीक है भालू मामा। बंदर रस्सी का एक छोर लेकर कुएं में कूद जाता है, फिर दोनों शावकों को गोद में लेकर सोनू को आवाज लगाता है। सोनू, सोनू, मैंने शावकों को गोद में ले लिया है, अब हमें बाहर निकालो। ठीक है। फिर सारे जानवरों ने मिलकर रस्सी खींचकर बंदर और शेर खान के दोनों शावकों को कुएं से बाहर निकाला। पापा, पापा। अपने बच्चों को जिंदा पाकर शेर खान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पापा, आपने हमारी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मुझे नहीं, इन्हें कहो, इनकी वजह से तुम बच गए हो। पापा, ये तो वही है ना जिन्हें आपने तालाब से पानी पीने को मना किया था? हाँ बेटे, वो गलती मैंने ही की थी। फिर भी इन लोगों ने हमारी जान बचाई। हाँ बेटे, अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे इनका कितना भी बुरा करो, ये किसी का बुरा नहीं करते। पापा, अभी जंगल का बुरा वक्त चल रहा है, अकाल की वजह से सारे तालाब सूख गए हैं, तो आप भी इनका भला कर दो पापा, इन्हें तालाब से पानी पीने की इजाज़त दे दो पापा। तुम ठीक कहते हो बेटा। सोनू, आज से जंगल का कोई भी प्राणी मेरे तालाब से पानी पी सकता है, मगर एक प्राणी को छोड़कर। मैं इस गद्दार लोमड़ी की बात कर रहा हूँ, मेरे तालाब से लोमड़ी की प्यास नहीं बुझेगी। मुझे माफ कर दो शेर खान, मुझसे गलती हो गई। तूने मुझसे नहीं, अपने जंगल से गद्दारी की है, माफी मांगनी है तो इनसे मांग। सोनू, भालू मामा, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी भी जंगल से धोखा नहीं करूंगी। तुझ पर भरोसा करना बेवकूफी है, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। हम माफ नहीं करेंगे। नहीं दोस्तों, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे माफ कर देना चाहिए, और वैसे भी गलती करने वाले से माफी देने वाला ज्यादा बड़ा होता है। ठीक है सोनू, तुम कहते हो इसलिए हमने भी इसे माफ किया। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया सोनू। फिर जंगल के सारे जानवर शेर खान के तालाब पर एक साथ पानी पीने गए। शेर खान भी ये देखकर काफी खुश हुआ। कोसी नदी के किनारे पर भरतपुर नामक एक गांव था, और दूसरे किनारे पर बड़ा सा जंगल था। जंगल में हर तरह के जानवर रहते हैं। शेर सिंह जंगल का राजा है, मगर अब वो बूढ़ा हो चुका है, अब वो पहले की तरह आसानी से शिकार नहीं कर सकता। शेर खान की ऐसी हालत देखकर युवा शेर उसका मजाक उड़ाते हैं। ओ शेर खान चाचा, आज हमें खरगोश का गोश्त खाने का मन हुआ है, आज हमें खरगोश का शिकार करके खिलाइए ना। अब खरगोश का शिकार करना मेरे बस की बात नहीं है पुत्र, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अरे यार, खरगोश तेज भागता है और चाचा तो बूढ़े हो चुके हैं, अब कोई ऐसा प्राणी बता जिससे चाचा मार सके। चाचा, कछुआ मार सकते हो? हम कछुए से ही काम चला लेंगे, है ना टेंगो? हाँ चार्ली। क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? और नहीं तो क्या, अब आप बूढ़े हो चुके हो, आपको समझदारी से राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए, और हम जैसे युवा शेर को जंगल का राजा बनाना चाहिए। हाँ, हम युवा भी हैं और ताकतवर भी। अभी तुम बच्चे हो, राजा बनने के लिए ताकत की नहीं अकल की जरूरत होती है, तजुर्बे की जरूरत होती है। तो हम क्या बेवकूफ हैं? जमाना बदल गया है चाचा, तुम्हारी सोच पुरानी हो गई है, नई जनरेशन काफी अकलमंद है। अब खुद अपनी तारीफ करते रहोगे या मुझसे अकलमंद हो ये साबित करके भी दिखाओगे? हाँ हाँ, जरूर दिखाएंगे, मगर ये बताओ कि हम आपसे ज्यादा अकलमंद है ये साबित करने के लिए करना क्या होगा? वहाँ देखो, नदी के दूसरे किनारे पर वो इंसान नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल नजर आ रहे हैं। आज मुझे इंसान का गोश्त खाने का मन हुआ है, अगर तुम उन्हें वहाँ से यहाँ बुलाकर दिखाओ तो तुम मुझसे ज्यादा अकलमंद। चाचा, हमको बेवकूफ समझ रखा है क्या?
तुमसे शिकार होता नहीं है, इसलिए हमसे शिकार करवा के पेट भरना चाहते हो। और पेट भरकर हमको बोल दोगे कि जाओ बच्चों, तुम मुझसे ज्यादा अकलमंद हो? नहीं, अगर इंसान को वहाँ से लाने में कामयाब रहोगे तो मैं तुम्हें जंगल का राजा घोषित कर दूंगा और साथ में ये सोने के कंगन भी गिफ्ट दूंगा। ये कहकर शेर खान ने सोने के कंगन वहाँ रख दिए। अब दोनों युवा शेरों ने नदी के दूसरे किनारे पर टहलते हुए इंसानों को अपने पास बुलाने का प्रयास शुरू कर दिया। ए भाई, अरे ओ भाई, जरा रुक जाओ, मेरी बीवी बीमार है, तुम यहाँ आओ और मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले जाने में मदद करो। अबे तू इतना भी अकलमंद नहीं है, तू हम इंसानों को बेवकूफ बना देगा? नहीं नहीं भाई, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। अबे चुप, मुझे मालूम है मैं वहाँ आऊँगा तो तू मुझे मार डालेगा, मैं तेरे झांसे में आने वाला नहीं हूँ। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, एक बार और कोशिश करके देखो। हाँ हाँ, अब मैं ट्राई करता हूँ। ओ सेठ, अरे ओ मारवाड़ी सेठ, अरे राम राम सेठ। देखा भगवान, जंगल का शेर भी अब मारी इज्जत करे। तने देखा, शेर ने मने राम राम किया। सेठ जी, इस बार जंगल में आम की भी पैदाइश काफी हुई है, आपको चाहिए उतने आम आप यहाँ आकर के ले जाओ, बिल्कुल फ्री में। अरे वाह, ढेर सारे आम हमें मुफ्त में मिल रहे हैं। अरे चलो भगवान, जंगल में आम लेने जाते हैं। चाचा, हमको जंगल का राजा घोषित करने को तैयार हो जाओ और साथ में सोने के कंगन भी देना मत भूलना। दिल्ली अभी दूर है पुत्र, अभी तो मारवाड़ी जंगल में आया नहीं है। आया नहीं है तो आ जाएगा, तनिक धीरज रखिए चाचा। मुफ्त में आम लेने की लालच में मारवाड़ी जंगल में जाने के लिए तैयार हो गया था, मगर चलते चलते उसके पत्नी ने मारवाड़ी सेठ को जंगल में जाने से रोका। और रुको जी, हमें जंगल नहीं जाना है। अरे कई बके है, जंगल में मारे को ढेर सारे आम मुफ्त में मिल रहे हैं और तू जंगल में जाने से मना कर रही है। हाँ, मुफ्त की लालच में आप भूल गए हो कि आम की सीजन चली गई है, वो शेर हमारा शिकार करने के लिए आपको लालच दे रहा है। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गयो कि ई वक्त पेड़ पर आम कोनी हुए हैं। अरे ओ शेर के बच्चे, मने बेवकूफ समझ रखे हो है कहीं? आम के बहाने बने अठे बुलार शिकार करनो चावे है? नहीं नहीं, मैं वाकई तुम्हें ढेर सारे आम देना चाहता हूँ। अरे चाचा, मैं लालची जरूर हूँ पर थारे जैसा बेवकूफ नहीं हूँ, अब किसी और को उल्लू बनाना। शिकार को फंसाने के लिए ताकत के साथ अकल की भी जरूरत होती है, जो तुम में नहीं है। देखो चाचा, हम तीनों में से कौन अति ज्ञानी है ये फैसला होना बाकी है। हाँ माना कि हम दोनों इंसान को यहाँ बुलाकर नहीं ला पाए, मगर आपने भी तो नहीं बुलाया। आप इंसान को यहाँ बुलाकर दिखाओ, तब आपको हम मान जाएंगे। ठीक है, अब मैं तुम्हें लाख टके की बात कहता हूँ, इंसान बड़ा लालची जानवर है, उसे फंसाना बिल्कुल आसान है। देखो अब मैं क्या करता हूँ। शेर खान ने सोने के कंगन अपने हाथ में लिए, फिर किनारे की तरफ देखकर सोचने लगा। अगर निशाना सटीक लगाओ तो वार कभी खाली नहीं जाता, शिकार को आसानी से फांसने के लिए मुझे लालची इंसान का चयन करना होगा। किनारे पर आते जाते लोगों को देखकर शेर खान उनका अनुमान लगाने लगा। आज मेरा जन्मदिन है, बताओ मेरे जन्मदिन के लिए क्या गिफ्ट लाए हो? डार्लिंग, देखो मैं तुम्हारे लिए असली हीरे की अंगूठी लाया हूँ। वाओ, ये तो काफी महंगी लगती है। अरे नहीं यार, ये तो सिर्फ 5 लाख रुपए की है।
ये देखकर शेर खान सोचने लगा, ये तो काफी पैसे वाला लगता है, इसे मैं सोने के कंगन देने की लालच दूंगा तो ये नहीं फंसेगा, कोई दूसरा शिकार ढूंढना पड़ेगा। शेर खान ने किनारे पर आते जाते कई लोगों को देखा, मगर कोई भी इंसान उसे आसानी से फंस जाए ऐसा नजर नहीं आया। फिर अचानक उसकी नजर एक कंजूस मक्खी चूस पर पड़ी। तुम दोनों छुप जाओ। क्या? अरे नहीं बाबा, इतनी महंगी चीज लेकर हम क्या करेगा? अरे बाबा, हमने बहुत मेहनत करके पैसा कमाया है, वो क्या तुम्हें इतनी आसानी से दे देगा? मैं मेरी चाय में से मक्खी तक नहीं निकालता, मक्खी के साथ ही चाय पी जाता हूँ मैं। हाँ, मेरा दंत मंजन करने का ब्रश घिस जाता है ना, तब मैं ब्रश को फेंकता नहीं हूँ, घिसे हुए ब्रश से पजामे में नारा डालता हूँ, समझा क्या? कंजूस इंसान की बात सुनकर शेर खान को यकीन हो गया कि उस कंजूस इंसान को कंगन की लालच देकर फंसाया जा सकता है। फिर शेर खान ने उसे आवाज लगाई, ए भाई जरा सुनो तो, भाई शक्ल से तो तुम बड़े दयावान दिखते हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? दरअसल मैं बीमार शेर हूँ, बुढ़ापे की वजह से ज्यादा चल भी नहीं सकता, मुझे दवाई की जरूरत है, क्या तुम मेरे लिए एक फोन करके एम्बुलेंस बुला सकते हो? बदले में मैं तुम्हें सोने के कंगन दूंगा जो मेरे किसी काम के नहीं है। अरे वाह, एक फोन करने के बदले सोने के कंगन मिलेंगे, ये तो फायदे का सौदा है। तेरे लिए फोन करके एम्बुलेंस तो बुलवा सकता हूँ, मगर तेरा काम होने के बाद अगर तूने मुझे सोने के कंगन नहीं दिए तो? नहीं, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगा, अगर चाहो तो मेरा काम होने से पहले सोने के कंगन यहाँ आकर ले जा सक। ठीक है, मगर तुम्हारा क्या भरोसा, मैं सोने के कंगन लेने आऊँ और तुम मुझे खा जाओ तो? शायद तुम पढ़े लिखे नहीं हो। अरे भाई, हम शेरों के लिए शेरनी ही शिकार करती है। हाँ, ये तो मैंने कहीं पढ़ा है। और वैसे भी मैं बीमार और बूढ़ा हूँ, फिर डर किस बात का, यहाँ आओ और सोने के कंगन ले जाओ। कंजूस आदमी सोने के कंगन लेने की लालच में आकर शेर खान के जाल में फंस जाता है। मैं आ रहा हूँ शेर खान, सोने के कंगन लेने में आ रहा हूँ। आखिर तुम आ ही गए। हाँ, अब लाओ मेरे सोने के कंगन। हाँ क्यों नहीं, पर एक बात जो मैं तुमसे कहना भूल गया वो तो सुन लो। हाँ सुनाओ, क्या बात है? मैंने तुमसे कहा था कि हम शेरों के लिए शेरनी ही शिकार करती है, मगर ये कहना भूल गया था कि अगर शेर भूखा हो तो कभी कभी खुद भी शिकार कर लेता है। क्या मतलब? यही कि मैं अभी भूखा हूँ। वाह क्या बात है चाचा, आपने तो साबित कर दिया कि ओल्ड इज गोल्ड। वो तो ठीक है, मगर मुझे ये बताओ इस घटना से तुमने क्या सीखा? इस घटना से हमने सीखा कि लालच बुरी बला है। और दूसरी ये सीख मिली कि जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। हाँ, सही जगह पर सही वक्त पर अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। बिल्कुल सही बोले चाचा। क्या अब भी मेरी जगह पर जंगल का राजा बनना है? नहीं चाचा, ये जंगल आपका है और आप ही यहाँ के सिंघम हो। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।